इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को क्रिएट करना। सबसे पहले मैं सीएलआई के थ्रू कंपोनेंट क्रिएट करूंगी, तो मैं यहां से कंट्रोल से टर्मिनेट कर दूंगी जॉब को और एनजीजी जनरेट और कंपोनेंट, ठीक है। और आगे कंपोनेंट का हम नाम लिख देते हैं होम, जब यूजर जो भी आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें। इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो ये होती है एनजीजी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट और आगे कोई भी नाम। यहाँ पे मैंने यूजर रख दिया कंपोनेंट का नाम, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूजर इस तरह क्रिएट हो रहा है कंपोनेंट। तो ये ऐप के अंदर ही हमारा क्रिएट हो गया यूजर, यूजर का फोल्डर बन गया। इसमें हमारे पास क्या है, HTML, TS और CSS और spec की फाइल अभी हम यूज नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ सिंपल इस तरह ऐड हुआ। ये यहाँ पर भी ऐड हुआ है और ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर भी ये ऐड हो गया। यूजर यहाँ पे क्या होता है कि डिक्लेरेशन के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एनजी मॉडल आता है, ये पूरा एनजी मॉडल के अंदर होता है। इसमें डिक्लेरेशन आती है, इंपोर्ट आती है। तो डिक्लेरेशन होते हैं, इसमें हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं सारे डिक्लेयर होते हैं नेम। इम्पोर्ट्स के अंदर हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होते हैं एंगुलर के हो रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हम एनजी न्यू करके बनाते हैं तो ये हमारे पास फाइल खुद ही बन जाती है, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही बने हुए। प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे पास सर्विसेज आती हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। इम्पोर्ट्स भी आगे जाकर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। और बूटस्ट्रैप का हमने डिस्कस किया था कि ऐप कंपोनेंट है जिसमें मेन डॉट टीएस स्टार्ट हुआ और ऐप कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम रन भी कर लेते हैं साथ साथ। तो हम जब तक डिस्कस करते हैं रन होता, तो हमने क्या किया यहाँ पर टीएस की इसकी फाइल में यहाँ पर खुद ही जनरेट हुआ है जो कंपोनेंट। अभी हमने खुद से कुछ नहीं किया। एट द रेट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर पास हुए हैं। एक सिलेक्टर है जहाँ पे उस कंपोनेंट का नेम है ऐप यूजर। इस सिलेक्टर को हम कॉल करेंगे तभी ये हमारा कंपोनेंट कॉल होएगा। अब टेम्पलेट यूआरएल है, टेम्पलेट यूआरएल से क्या पता चल रहा है, ये HTML यूजर कंपोनेंट डॉट HTML का लिंक है, ठीक है। स्टाइल यूआरएल का लिंक है, स्टाइल यूजर कंपोनेंट डॉट CSS का लिंक है, ठीक है, ये स्टाइल्स का लिंक है। तो ये इस तरह कंपोनेंट बनाया। अगर मैं HTML में जाऊं तो ये बाय डिफॉल्ट इसने एक पैराग्राफ लिख दिया यूजर और कंपोनेंट के नाम से। और CSS में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, हम खुद अगर कुछ डालना चाहें वो अभी हम आगे जाकर डिटेल में ज्यादा डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स में डालना। तो ये हमारा रन हो चुका है। अभी अगर मैं इसमें देखूं तो आई एम इन द ऐप कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमने उस सिलेक्टर को कहीं यूज ही नहीं किया, तो वो हमें किस तरह दे सकता है रन करके। तो अब हम इसके क्या, ये जो सिलेक्टर यूज हुआ है टीएस में ऐप यूजर में, इसको हम यूज करेंगे ऐप कंपोनेंट के HTML में। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ब्रेक कर लेती हूँ HR, फिर मैं से ऐप, आगे क्या आ रहा है मेरे पास यूजर, यही था, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम सेव करके इसकी तरफ जाएं तो इसने यहाँ पर ये हमें दे दिया यूजर्स वर्क, ठीक है। तो ये हमारा एक वे था जिसमें हम इस तरह करके CLI के थ्रू कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। एक वे ये होता है हम खुद से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक हम यहाँ पर क्लिक करके ऐप के ऊपर यहाँ से हम जनरेट कंपोनेंट करके भी नाम उसका दे सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई करती हूँ, जनरेट करती हूँ कंपोनेंट, तो से होम का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप के अंदर अगर मैं जाऊँ तो होम के नाम से मेरा कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इसी तरह ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में जाऊँ तो यहाँ पर डिक्लेयर भी हो गया होम के नाम से, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम यूज करें यहाँ पर ऐप होम, इसका सिलेक्टर ऐप होम ही होगा, तो इसको हम अगर रन करें और अगर हम यहाँ पे जाएं तो होम वर्क्स, यूजर वर्क्स और होम वर्क्स, ठीक है। तो इससे हम अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। CLI के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं, होम से भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं कंपोनेंट्स क्रिएट करने के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।